एवरीवन, माय नेम नीरज एंड यू आर वाचिंग नी रिव्यू पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉप 10 एनिमी शोज के बारे में जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और मैं इस वीडियो को काफ़ी लंबे समय से बनाना चाहता था, बस डिले होते आ रही थी। और स्पेशली ये है कि लोग एनिमी को देखना पसंद ही नहीं करते। दूसरी ओर मोस्ट ऑफ द पीपल्स यही बोलते हैं कि एनिमी सिर्फ एक कार्टून है, लेकिन नहीं, वो इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं। और मेरे सिर्फ सिंपली मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो एक अनदर लेवल की दुनिया है जिसको मतलब कोई कोई ही समझ पाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप एनिमे फैन हो तो आपने इनमें से बहुत सारे देख रखे होंगे। इनमें से 3-4 आपको कुछ न्यू जनरेशन के देखने के लिए मिलेंगे, बाकी सारे ओल्ड जनरेशन के देखने के लिए मिलेंगे 2010 से पहले वाले। तो वीडियो बहुत ही बिंज वॉच होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। करते हैं बहुत ही अच्छे शो के साथ जिसका नाम है माय हीरो एकेडमिया। इस शो की बात करते हैं, शो को 2016 में रिलीज करना स्टार्ट किया गया था, जिसके आपको टोटल 4 सीजन देखने के लिए मिलेंगे। और अगर हम शो के स्टोरी लाइन की बात करते हैं, स्टोरी लाइन फॉलो करती है, यहाँ पर आपको इजिको मिडोरिया नाम का लड़का देखने के लिए मिलेगा जो विदाउट सुपर पावर्स के पैदा होता है। और दूसरी ओर वो एक ऐसे वर्ल्ड में पैदा होता है जहाँ पर विदाउट सुपर हीरोज वाली पावर्स क्विक्स नाम से जाना जाता है। और स्पेशली शो में उसके एक तरह से ड्रीम है कि वो भी एक तरह से सुपर हीरो बनेगा। और स्पेशली ये शो एडवेंचर, साइंस फिक्शन और सुपर हीरो से भरा हुआ शो रहेगा। अगर आप इंग्लिश डब देखते हो तो भी ये शो बहुत अच्छा डिलीवर करके देगा। और स्पेशली अगर आप जैपनीज में देखते हो फिर तो आप मतलब अलग ही लेवल के पर्सन हो, क्योंकि मैं बहुत सारे शोज़ को जैपनीज में ही देखता हूँ। अगर कोई इंग्लिश में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं सबको जैपनीज में ही देखना पसंद करता हूँ। और जो जैपनीज लैंग्वेज है वो सीरियसली बहुत ही ऑसम है। तो अगर आपने इस शो को नहीं देखा तो जाके देख सकते हो माई हीरो अकेडमिया को, जो इसमें आपको फाइट्स देखने के लिए मिलेंगी और एक अलग लेवल की एनिमेशन दिखाई गई है वो आपको एक अनदर लेवल में लेके जाएगी। तो आप इस शो को जाके इन्जॉय कर सकते हो माई हीरो अकेडमिया को। तुम्हारे लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर शो की बात करते हैं, शो को अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है और ये न्यू जनरेशन एनिमी है जिसका आपको एक सीजन देखने के लिए मिलेगा और टोटल 23 एपिसोड्स है। और जिसके फर्स्ट सीजन ने पूरी तरह से तबाही मचा के रख दिया है। और अगर आप इस शो को जैपनीज में देखोगे तो और ज़्यादा तबाही में लगेगा। और दूसरी ओर शो के ऑथर हैं कुहारो। और दूसरी ओर अगर हम शो के प्लॉट की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको टैंजिरो नाम का पर्सन देखने के लिए मिलेगा, एक टीनेज लड़का देखने के लिए मिलेगा जो कि काम के लिए बाहर जाता है अपने टाउन से। और जब वो अपने घर पर वापस आता है तो किस तरह से वहाँ पर डीमंस ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया होता है। और दूसरी ओर उसकी हमें सिस्टर देखने के लिए मिलती है जिसका नाम हमें नैजी को देखने के लिए मिलता है। और दूसरी ओर वो एक डीमन है लेकिन फिर भी वो उसको प्रोटेक्ट करती है। और जहाँ पर हमें उसके दो और फ्रेंड्स की एंट्री होते हुए दिखाई देती है जब वो डीमन स्लेयर के एग्जामिनेशन के लिए जाता है। और उससे आगे स्टोरी में क्या होता है जो खुद देखना होगा। बहुत ही अच्छा शो है, बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इन शो को जाके जरूर देखो, डीमन स्लेयर को। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है हंटर एक्स हंटर। इस शो की बात कर तो इस शो को 2011 में रिलीज करना स्टार्ट किया गया था जिसके आपको टोटल 6 सीजन देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम इस शो की बात करते हैं, इस शो को जाके आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो। और इस शो की एक अलग बात यह है कि 6 सीजन के बाद भी इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी चल रही थी जिसके लिए सभी बहुत बेसब्री से वेट भी कर रहे हैं, लेकिन इसका 7 सीजन अभी तक रिलीज़ नहीं हो रहा। और दूसरी ओर अगर हम शो के प्लॉट की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको एक गॉन नाम का पर्सन देखने के लिए मिलेगा जो कि अपने फादर को ढूंढने के लिए निकलता है, जो कि अभी के वर्ल्ड में सबसे ग्रेटेस्ट हंटर है। और जहाँ पर वो भी हंटर के एग्जाम के लिए जाता है वहाँ पर उससे अपने फ्रेंड किलवा से मीट होता है, किलवा को मिलता है। और जहाँ पर हमें और भी काफ़ी सारे पर्सन देखने के लिए मिलते हैं और वहाँ पर किस तरह से एडवेंचर की शुरुआत होती है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। और फाड़ सीजन है और बिंदा सीजन है, इंग्लिश में अवेलेबल है। तो आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो हंटर एक्स हंटर को। लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है जुजुत्सु केसन। और ये न्यू जनरेशन की मेरी सबसे फेवरेट एनिमे चल रही है हाल ही के टाइम की, और ये मांगा सीरीज है। और इस सीरीज़ को आप एक तरह से नारुतो का न्यू वर्जन भी कह सकते हो। अगर हम यहाँ पर शो की स्टोरी लाइन की बात करते हैं, शो का स्टोरी लाइन फॉलो करती है, यहाँ पर आपको इटाडोरी नाम का एक पर्सन देखने के लिए मिलेगा, टीनेज लड़का। और दूसरी ओर जहाँ पर आपको कर्सेज देखने के लिए मिलेंगे जो जिनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्सेज है सकुना, और जहाँ पर किस तरह से उसकी स्टैंड की टैंग फिंगर्स को एक तरह से स्प्लिट कर दिया गया है अलग अलग जगह पर। और जहाँ पर इटाडोरी उसकी एक फिंगर को स्वॉलो कर लेता है और एक तरह से सकुना उसकी बॉडी पर पूरी तरह से हैवी हो जाता है एक तरह। और उससे आगे हमें उसके दो फ्रेंड्स देखने के लिए मिलते हैं
और भी काफ़ी सारी थिंग्स होती हैं शो में जो आपको देखने के लिए मिलेगा। कर्सेस बढ़ते जाते हैं और स्टोरी आगे चलती जाती है और आप इस शो को जाकर इन्जॉय कर सकते हैं। जुजुत्सु केसन को इंग्लिश में अवेलेबल है। मेरी अकॉर्डिंग तो आपको शो जैपनीज में ही देखना चाहिए। लिस्ट में शो आने वाला है वो ऑलमोस्ट बहुत ही इमोशनल शो है और शो का नाम है विलेन सागा। विलेन सागा शो की बात कर जाए मांगा की सीरीज है और जैपनीज हिस्टोरिकल सीरीज है। अगर हम इस सीरीज के प्लॉट की बात करते हैं, सीरीज का प्लॉट फॉलो करता है। यहाँ पर आपको थ्रोफिन नाम का एक पर्सन देखने के लिए मिलेगा, लड़का देखने के लिए मिलेगा, जो अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करता है अपने फादर के किलर का रिवेंज लेने के लिए। और दूसरी ओर शो की सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इसमें आपको ह्यूमन कल्चर दिखाया गया, नेचर दिखाया गया, वॉर एंड वायलेंस, वो एक अनदर लेवल का है। और इसमें आपको कुछ ऐसे सीन्स देखने के लिए मिलेंगे जो एक तरह से आपको शो में रुला के रख देंगे। और शो में किस तरह से आपको एक माइंडलेस रिवेंज देखने के लिए मिलता है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ टेल देखने के लिए मिलती है, जो शो को एक बहुत ही ब्रिलियंट लेवल पर लेकर जाती है। और जो शो इंग्लिश में अवेलेबल है और आप इस शो को जाकर एंजॉय कर सकते हो विलेन सागा को। और मैं स्पेशली रेकमेंड करूंगा कि आप इस शो को जैपनीज में ही देखो। इसमें एनिमे आने वाली है, ऑलमोस्ट इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है और उस एनिमे का नाम है डेथ नोट। डेथ नोट मांगा की सीरीज है और इस सीरीज के राइटर हैं सुगामी ओबा। अगर हम शो के प्लॉट की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है। यहाँ पर आपको एक लाइट जागमी नाम का टीनेजर देखने के लिए मिलेगा जो कि बहुत ही खतरनाक लेवल का जीनियस है। और सेकंडली उसे एक मिस्टीरियस बुक मिलती है जो कि एक तरह से डेथ नोट है। और वहाँ पर हमें उसके साथ डेथ नोट का ओनर भी देखने के लिए मिलता है और जो सिर्फ उसे ही दिखाई देता है। और वहाँ पर किस तरह से वो क्रूल वर्ल्ड को बदलने की कोशिश करता है, ये आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। जिसमें वो अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करता है, अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करता है, एक तरह से वो अपने आप को गॉड कहलाना शुरू कर देता है। लेकिन हर चीज़ का एंड होता है। और स्पेशली इस शो की अच्छी बात ये है कि जो शो स्केरी नहीं है इतना, लेकिन इसमें जो आपको मिस्ट्री देखने के लिए मिली है वो एक अनदर लेवल की देखने के लिए मिलेगी। और जहाँ पर जो मिस्ट्री सोल्वर है क्यारा नाम का, वो भी एक अनदर लेवल का ही देखने के लिए मिलेगा। और जो शो सीरियसली बहुत अच्छा है, तो आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो डेथ नोट को। और ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कंट्रियों में जो बैन भी है इनमें। नेक्स्ट मंथ लिस्ट में शो आने वाला है, उस शो का नाम है अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे है जिसको 2013 में रिलीज करना स्टार्ट किया गया था। जो एक्शन फिक्शन एनिमे जिसके आपको टोटल अभी तक 4 सीजन देखने के लिए मिलेंगे। और 4th सीजन जिस तरह से एंड हुआ था यहाँ पर, जब एरन पर अटैक किया था राइनर ने, और दूसरी ओर हमें उसका मे बी 5th सीजन इसी साल के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और जहाँ तक हमें यह लगता है कि ये अटैक ऑफ टाइटन का लास्ट सीजन होगा। अगर हम शो के प्लॉट की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है। यहाँ पर आपको कुछ टाइटन्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि 100 साल पहले धरती पर अपेयर हुए थे, जो कि मैन ईटिंग है। और एक्चुअल में उन टाइटन्स को कौन बनाता है, ये आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। और आपको यहाँ पर एक और अनदर वर्ल्ड देखने के लिए मिलेगा जो टाइटन्स के साथ है। और जहाँ पर हमें कुछ ऐसे सर्वाइवर्स देखने के लिए मिलेंगे, कुछ ऐसे वॉरियर्स देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें से आपको कैप्टन लीवाई, मिकासा, एरन और भी काफ़ी सारे ग्रेट वॉरियर देखने के लिए मिलेंगे। और इस तरह से स्टोरी का बिल्डअप किया गया है कि फर्स्ट एपिसोड में पता लग जाएगा कि ये कितनी अच्छी एनिमे होने वाली है। और आप इसको 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए भी आगे नहीं कर पाओगे। और स्पेशली मैं बोलूँ, इसके 3 सीज़न शायद इंग्लिश में अवेलेबल है और 4 सीज़न शायद इसका इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने इसका 4 सीज़न जैपनीज में देखा था इंग्लिश सब के साथ। आई होप कि आपको जो अटैक ऑन टाइटन अच्छी लगे, बहुत ही टॉप क्लास एनिमी है जिसकी आपको IMDb 9 के आसपास मिल जाएगी, तो आप इसको जाके एंजॉय कर सकते हो अटैक ऑन टाइटन्स को। फाइनली टॉप 3 पर जो एनिमे आने वाली हैं वो एक तरह से गोट एनिमी है। गोट मतलब आप जे कह सकते हो, जब एनिमे स्टार्ट हुई थी उसको सबसे पहले कैरी ऑन किया था ड्रैगन बॉल्स ने। उसके पास हमें वन पीस, नारुतो, ब्लीच, ये 4 एनिमे देखने के लिए मिले जिन्होंने एक तरह से एनिमे का पूरे का पूरा नक्शा बदल दिया, लेकिन सबसे ऊपर ड्रैगन बॉल्स ही है। और दूसरी ओर जो नंबर 3 पर जो एनिमे आने वाली है उसका नाम है ब्लीच। ब्लीच एनिमे की बात कर तो ब्लीच एनिमे को 2004 में रिलीज करना स्टार्ट किया गया था, जिसके आपको टोटल 15 सीजन देखने के लिए मिलेंगे। और जहाँ पर आपको एक इचिगो नाम का लड़का देखने के लिए मिलेगा जो कि टीनेजर है, जिसकी लाइफ बहुत ही इजीली सही से चल रही है, जहाँ पर वो उन गोस्ट को देख सकता है जिनको बाकी वो नहीं देख सकता, जो कि उसकी बोन एबिलिटी है। और जहाँ पर उसे वहाँ पर और भी एक पर्सन देखने के लिए मिलती है जो कि सोल रिपेयर के लिए काम करती है, जो कि ईवल सोल्स को ख़त्म करती है, जो कि मतलब एक तरह से ह्यूमैनिटी पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ पर किस तरह से इचिगो उस सोल रिपेयर को ज्वाइन करता है और जहाँ पर किस तरह स्ट्रॉन्गेस्ट बन के बाहर निकलता है और आगे क्या क्या होता है, ये आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। शो में आपको इस तरह के फाइटिंग सीक्वेंस देखने के लिए मिलेंगे और भी काफ़ी सारी थिंग्स देखने के लिए मिलेंगी जो कि शो को एक अनदर लेवल पर लेके जाती हैं। तो आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो। ब्लीच को एक तरह से आप इस शो को टॉप 5 के गोट में कह सकते हो। इसमें एनिमे आने वाली है, मेरी खुद की फेवरेट एनिमे है और एनिमे का नाम है नारुतो।
नारुतो एक मांगा सीरीज है, और अगर हम शो की बात करते हैं, शो मेरा खुद का फेवरेट है। मैंने इस एनिमे को बहुत साल पहले देखा था, कम से कम 5 या 6 साल पहले, और अभी मैं इसको काफ़ी बार देखता हूँ बार बार। नारुतो एक ऐसी एनिमे है जो आपको हिसाएगी, रुलाएगी, और आपको मतलब इतना टीच करके जाएगी, इतना अच्छा लेसन दे के जाएगी कि आप इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। इतनी अच्छी एनिमे है, फिर भी कई लोग हैं जो इसको देखते नहीं हैं। जहाँ पर हमें एक नारुतो उज़ुमाकी नाम का लड़का देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर उसके फादर एक नाइन टेल को कैद कर देते हैं, एक तरह सील कर देते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। और दूसरी ओर नाइन टेल के उसके अंदर होने के कारण सभी लोग उसको एक तरह से मॉन्स्टर पर ट्रीट करते हैं, और जिस तरह से वो अपने आप को एक तरह से बहुत ही अच्छा पर्सन बनाने के लिए, ताकि उसको लोग नोटिस करें, उसके लिए वो कितनी हार्ड वर्क करता है, जी आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। शो सीरियसली बहुत ज़्यादा सैडनेस से भी भरा है, बहुत ज़्यादा ऑसम भी है। इस तरह से आपको इसमें गूज़बम्प्स देखने के लिए मिलेंगे कि मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता, और आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो नारुतो को। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट नारुतो देखने के लिए मिलेगा, फिर आपको नारुतो खत्म होने के बाद नारुतो शिपुडन देखने के लिए मिलेगी, और फिर आपको अभी नारुतो की नेक्स्ट जनरेशन देखने के लिए मिल रही है ब्रूटो, तो भी एक तरह से पीक पर चल रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिंज वॉच है, अगर किसी ने नहीं देखी नारुतो तो वो जाके देख सकता है। फाइनली नंबर 1 पर जो एनिमी आने वाली है उसका नाम है वन पीस। वन पीस मांगा की सीरीज है, जिसके ऑथर आपको इचोरो ओदा देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम शो के प्लॉट की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है, यहाँ पर आपको एक मंकी डी लूफी नाम का टीनेजर देखने के लिए मिलेगा, और उसके जहाँ पर बाकी सारे आपको क्रू मेंबर देखने के लिए मिलेंगे, जो कि हिडन ट्रेशर को खोजने के लिए निकलते हैं, जो कि गोल्डी रोजर ने 25 साल पहले कहीं पर छुपा दिया था, जो कि एक ग्रेटेस्ट पायरेट था, जो कि पायरेट किंग था। दूसरी ओर हमें जहाँ पर डेविल फ्रूट्स देखने के लिए मिलते हैं, जिनको ईट करने के बाद आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ पावर्स आती हैं। और स्पेशली इस शो के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, बहुत ही फास्ट सीजन है और मैं भी इसको कंटिन्यूसली देख रहा हूँ। अभी इसके आपको टोटल 982 एपिसोड्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बिंज वॉच हैं। आपको लग रहा होगा कि इसके एपिसोड बहुत ज़्यादा हैं, जब आप इसको शुरू कर दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कितने कम एपिसोड हैं। और इसके आपको टोटल 700 के आसपास एपिसोड या 650 के आसपास एपिसोड इंग्लिश में मिल जाएंगे, उसके बाद आपको जैपनीज में देखने के लिए मिलेंगे। और मैं सीरियसली बोलना चाहूँगा कि एक बार आप जैपनीज में एनिमे को देखना स्टार्ट करो, आप इंग्लिश में देखना भूल ही जाओगे, सीरियसली इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है। अगर आप जैपनीज में देखना शुरू करते हो, इंग्लिश सबके साथ साथ आपको इतना अच्छा फील आएगा कि आप इंग्लिश को ऐसे ऐसे समझोगे कि इंग्लिश डब को कि हाँ जी इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वन पीस बहुत अच्छी है, तो आप इसको जाके एंजॉय कर सकते हो वन पीस को। ओके, तो ये थी मेरी ओ कोर्स से आप सबके लिए कुछ ऐसे टॉप 10 एनिमे सीरीज, जो कि जिनमें से कुछ आपको न्यू जनरेशन के देखने के लिए मिलेंगे, कुछ आपको टॉप लेवल के ओल्ड जनरेशन के देखने के लिए मिलेंगे। स्पेशली वन पीस, नारुतो, ब्लीच, अटैक ऑफ टाइटन, मतलब सारे के सारे टॉप क्लास है यार। मैं मतलब कुछ नहीं बोल सकता कि आप इनमें से जाके जे पहले देखो जे पहले देखो, बस ये बोलना चाहूंगा कि वन पीस और नारुतो और ब्लीच 3 गोट लेवल के एनिमे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिंज वॉच हैं, तो आप इनको जाके देख सकते हो। और मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि आप एक बार जैपनीज में देखने का ट्राई करो इंग्लिश सबके साथ, आप भूल जाओगे कि इंग्लिश डब भी अच्छी होती थी। तो आप इन शोज़ को जाके एंजॉय कर सकते हो। आई होप कि आपको हमारी लिस्ट अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मेरे अकॉर्डिंग ये बिंज वॉच शोज़ है भाई, जाके देख लेना।